पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये पढ़ेंगे नहीं, ये केवल सेवा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गलत फहमी फैलाई गई, गलत फहमी फैलाई गई। और क्या, ये कहीं नहीं लिखाया कि नहीं पढ़ने का अधिकार है? लिखा तो है तमाम, जो है मतलब जो है दरअसल वेदोत्ता हमारे जो है हम लोग अध्ययन किए हैं नहीं, लेकिन सीरियल वगैरह में देखते हैं तो ऐसा ही मिलता है। नहीं तो ये सब गलत दिखा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये सब असल में क्या है ना, जैसे महाभारत काल में चलिए, वहाँ पर जैसे मतलब कोई छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा कर दिए हैं सब धर्म ग्रंथों से, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिए। ओम हरि। जैसे महाभारत काल में चलिए, हाँ, एकलव्य गया मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, द्रोणाचार्य मना कर दे कि नहीं जो है हम जो है तुमको शिक्षा नहीं, पढ़ना केवल क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का काम है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा। महाभारत में तो दिखने की नहीं, नहीं ऐसा नहीं। वो उसने द्रोणाचार्य ने यह कहा कि मैं नियुक्त हूँ राज परिवार के लड़कों को पढ़ाने के लिए, हाँ, तुम किसी और यहाँ जा कर के वो प्राप्त करो। जैसे कोई किसी के यहाँ किसी को मास्टर रख दिया जाता है जी, तो वो उन्हीं को पढ़ाता है ना, देश भर के लोगों को थोड़ी पढ़ाता है। द्रोणाचार्य ने ये नहीं कहा कि तुमको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ऐसा थोड़ी कहा। नहीं तो कई जगह तो आता है कि नहीं, कहीं नहीं आता, पढ़ने का अधिकार नहीं है, कहीं नहीं आता। ये सब गलत बात है, ये सब सब उन लोगों ने फैलाया है जो कम्युनिस्ट लोग हैं, अच्छा, जिन्होंने धर्म शास्त्र के साथ छेड़छाड़ किया या अधर्मी लोग हैं। वैसा ऐसा कहीं वेद में नहीं लिखा हुआ है कि कोई नहीं पढ़ेगा या अन्य लोग नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण ही खाली पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो उसको कहते हैं जो कि पढ़ लिख करके जो है प्रकांड विद्वान हो गया और दूसरे को शिक्षा देने में समर्थ हो गया और जो ज्ञान को प्राप्त हो गया उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये थोड़ी कहा गया कि कोई अन्य नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है। ये है कि जन्म से सभी शूद्र हैं। मनुस्मृति में कभी काल को लोग कहते भाई मनुस्मृति के जो है विचार से चल रहे हैं, मनुस्मृति है क्या चीज? मनुस्मृति एक स्मृति है, एक मनु ऋषि थे, हाँ, उनसे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा जाके ऋषियों ने, हाँ, यहाँ कितने लोग जो गलत सलत मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं जी। असल में यहाँ जो साजिश के तहत जो है ना बहुत सारे काम हो रहे हैं देश में बहुत समय से, इस्लाम के आक्रमण के समय से ही ये सब बहुत साजिश के तहत हो रहे हैं, जिन्हें बहुत छेड़छाड़ किया गया। मनुस्मृति एक इनको ये लोग अम्बेडकर ने भी कह दिया कि ये विधि ग्रंथ था, विधि ग्रंथ नहीं था। मनुस्मृति में कहीं भी मनु ने नहीं कहा कि ये विधि ग्रंथ है, वो तो सिर्फ एक संवाद है कि ऋषियों ने पूछा उनसे, जैसे आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं मैं उत्तर दे रहा हूँ, बात ऐसी है। तो मनु से कुछ पूछा, मनु ने उत्तर दिया कि क्या सही होना चाहिए, तो जो सही होना चाहिए वो उन्होंने उत्तर दिया, तो लिखा। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इसको कहीं लागू करेंगे, जो नहीं करेगा सबको लागू करना चाहिए, ऐसा थोड़ी उन्होंने कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा कि दंड दिया जाएगा, ये किया जाएगा तो या नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ऐसा कहीं बताते हैं, हम तो पढ़े हैं नहीं, बताते हैं कि नहीं, तो उसमें लिखा गया है कि लोग नहीं बताते हैं, ये वे लोग बताते हैं ना जो कि उसको अच्छा से पढ़े नहीं हैं या जो है उसके जो विक्षेप हैं, कोई भी जो ग्रंथ लिखा गया उसके विक्षेप भी आ गए हैं बहुत। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि पहले ग्रंथ जो है ना एक प्रति दो प्रति लिखी जाती थी, उसकी कॉपी होती थी, कोई छापाखाना तो था नहीं, तो प्रतिलिपि लिखी जाती थी, तो प्रतिलिपि लिखी जाती थी तो उसमें कोई ना कोई उसमें कुछ ऐड कर देता है, कुछ जोड़ सकता है, जब प्रतिलिपि ही लिख रहा है वो तो उसमें कोई जोड़ सकता है। तो ये जोड़ने तोड़ने वाला काम बहुत ज़्यादा हुआ बाद में, विलियम हंटर वगैरह थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जोड़ा, तो जोड़ करके किस तरह से इसको भ्रष्ट किया जाए उसी योजना बनाई वे लोग। उन लोगों ने पहले देखा कि इनको कहाँ कहाँ से इनको छेड़ा जाता है, किसी भी धर्म को मिटाने के लिए पहले उसके ग्रंथों पर अध्ययन किया जाता है। तो इन लोगों ने देखा कि वेद को देखा तो इनको तो बाप रे बाप निकलने लगा, इतना मोटा वेद पढ़ करके और इसको समझना ही कठिन दुरू है और इसमें कहीं कोई गलती नहीं पाया, चार चार वेद 20,000 के आसपास मंत्र हैं उसमें, इनका तो पसीना छूट गया। इनके पास तो बस एक ही किताब थी बाइबल और इनके पास मुसलमानों के पास एक कुरान, हाँ, यहाँ वेद को देखकर पसीना छूट गया तो इसको हटा दिया गया, भाई वेद के चक्कर में मत पड़ो, हाँ। फिर उपनिषद पर आए, उपनिषदों को देखा 108 उपनिषद हैं और उसमें कहीं कहीं दोष नहीं है, इतना उच्च स्तर का उसमें फिलॉसफी है, बड़े बड़े वैज्ञानिक चकरा जाते हैं, तो उसको हटा दिया, कह रहे छोड़ो छोड़ो, तो हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं।
फिर गीता पर आए तो देखे गीता तो जो है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके सिद्धांत बहुत ऊँचे हैं, सो भी हटा दे, हटाओ हटाओ। ये लोग खोजने लगे कौन ऐसा था जो चाहे इसका सांख कपिल मुनि का सांख लेंगे या कन्नाद ऋषि का लेंगे, जितने भी दर्शन है वैशेषिक दर्शन वगैरह, तो इन सब में कहीं पर कोई उनको दोष नज़र नहीं आया और न कहीं वो छेड़छाड़ कर सकते थे, क्योंकि इतना साइंटिफिक सूत्र के रूप में है। उसी तरह पतंजलि जी का योग सूत्र है, कहीं ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इनको ले दे करके एक मनु स्मृतियों पर फिर आए, हाँ फिर इसे होते होते स्मृति, स्मृति मतलब कि जो यादों के आधार पर जो लिखी गई है, हाँ किसी ने कह दिया, तो उसे तो कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माने जाते हैं। और वह तो है जैसे किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ लिख दिया अपने मन से, तो मनुस्मृति को इन्होंने पकड़ा, ताकि मनुस्मृति जो है इसी में कुछ हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, हाँ कुछ जगह मिली, हाँ उसमें उस जगह मिली, इसी में हम लोग कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उसी में उन लोगों ने कुछ छेड़छाड़ किया, परंतु जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने भी सब समझ लिया कि कहाँ कहाँ छेड़छाड़ किया गया। विद्वान लोग तो जब देख लेंगे ना जो श्लोक की रचना है, अब एक 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 श्लोक में मान लीजिए आप कुछ कहेंगे, फिर दूसरे श्लोक में आप कुछ कहेंगे, तो पता नहीं चल जाएगा कि ये दूसरा आदमी जुड़ा हुआ है। हाँ, एक श्लोक में आप कहेंगे कि मछली खाना ठीक नहीं है, एक में कहेंगे कि मछली खूब खाना चाहिए, तो पता नहीं चल जाएगा कि ये दो अलग अलग आदमी का बयान है, दो अलग अलग। हाँ, एक ही आदमी दोनों बयान नहीं देगा, नहीं नहीं एक ही आदमी, हाँ एक ही आदमी नहीं कहेगा कि जो है ये खाना ठीक है फिर कहेगा ये खाना गलत है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे उसमें बयान हैं मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में जो शुद्ध मनुस्मृति है, जो कि वास्तव में मनुस्मृति है, मनुस्मृति कई कई तरह से छपे हुए हैं। अच्छा, हाँ कोई एक मनुस्मृति नहीं है, उसके कई कई वर्जन हैं। तो कोई कैसे छाप रहा है, कोई कैसे छाप रहा है, कोई मिला जुला वाला छाप रहा है, कोई शुद्ध वाला छाप रहा है। तो अब उसमें से जो लोग शोध करके विद्वान सब बताए हैं कि नहीं वास्तव में मनुस्मृति यह है, कुछ लोगों ने मनु के नाम पर उसी में भृगु ऋषि का भी डाल दिया, घुसेड़ दिया, हाँ जबकि वो भृगु ऋषि का नहीं, वो मनु का है, तो उसी में भृगु का भी डाल दिया। उसमें कितने लोग डाल दिया कि भृगु के शिष्यों ने उसमें डाल दिया है, तो कई कई लोगों ने कुछ कुछ डाल दिया, फिर बाद में अंग्रेजों ने भी डाल दिया, जिसको मिला मतलब कुछ ना कुछ डालता गया। इसका मतलब जब तक जो है ये, तो जो जो पहले रचना की गई थी उसको बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने जो उसमें जो है बहुत सारा बिगाड़ा, और बिगड़ा हुआ सब साफ समझ में आ जाता है साफ यहाँ पर, क्योंकि कोई भी शास्त्र, पहला शास्त्र का यहाँ प्रमाण जो है ना शुरू से ही वेद प्रमाण माना जाता है, शुरू से, क्योंकि सबसे पुराना ग्रंथ वही है। वेद के विरुद्ध यदि कोई शास्त्र है, माने वेद में जो सिद्धांत हैं उससे खिलाफ, उससे हट करके कोई सिद्धांत है, तो उसको यहाँ पर अमान्य किया जाता रहा है, शुरू से ये परंपरा रही है। तो वेद के वेद में जो सिद्धांत हैं उससे उसको मिलाकर देखा जाता है कि मनुस्मृति में कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो कि वेद सम्मत हैं और कौन ऐसे सिद्धांत हैं जो वेद सम्मत नहीं है। तो जो वेद सम्मत नहीं है सिद्धांत, उनको मिलावट मान करके हटा दिया जाता है, विद्वान उसको हटा देते हैं, इसको हटा दो ये नहीं है। कोई भी ग्रंथ, जैसे मान लीजिए मैं ही कोई ग्रंथ लिखूँ, तो जो विद्वान लोग हैं वे देखेंगे कि ये जो है वेद सम्मत है या नहीं है, हाँ कि अगड़म बगड़म कुछ भी लिख दिया है किसी ने। अभी मान लीजिए मैं बुद्ध का ही ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, मध्यम निकाय पढ़ रहा हूँ, तो इसको मैं पढ़ूंगा तो देखूंगा ना कि ये कितना वेद सम्मत है कितना नहीं, कितना तर्क सम्मत है कितना नहीं, देखूंगा ना। तो उन लोगों ने जो विद्वान थे उन लोगों ने तो छांट छांट के बढ़िया निकाल लिया, हमारे पास तो दो दो मनुस्मृति है। और अब उसका, अब जो उसने जो अर्थ लिख दिया है उसका आप अपना समझिए कि कहाँ मान्य है क्या मान्य है। तो अगर कोई ग्रंथ लिखा है किसी ने तो वह कितने दूर तक फैला, उसका कितना प्रभाव रहा, उसको कितने लोग माने नहीं माने। जैसे उदाहरण के लिए यहीं पर जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना कि ये मनुस्मृति की से बात करते हैं, तो अब पूरे गांव में घूम जाइए हिंदुओं में ही और देखिए हाँ, कि इनके पास मनुस्मृति है या कौन जानता है कि उसमें क्या लिखा है। किसे कहते हैं लगभग वो भी नहीं पता। हाँ, और कुछ जानता नहीं है तो फिर जो जानता ही नहीं उसको मानने की कोई बात ही नहीं उठती है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं वो मानना। लोग तो जो प्रवचन वगैरह होता आया है, साधु संत सुनाते आए हैं, वो या तो वेद पर प्रवचन करते हैं या उपनिषद पर करते हैं या गीता पर प्रवचन करते हैं या भागवत पर करते हैं या रामायण पर करते हैं। मनुस्मृति पर कोई प्रवचन थोड़ी ना करता है जी, नहीं। तो लेकिन मनुस्मृति में भी मैंने ग्रंथ का अध्ययन किया तो जो मनुस्मृति है उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, खराब बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन जो बिगड़ा हुआ है, बिगड़ी हुई जो मनुस्मृति है, उसमें घुसेड़ा हुआ जो है, तो उसमें निसंदेह बहुत सारे बहुत गलत बातें लिखी हैं जो मान्य नहीं हो सकती।
जो और सब विरोधाभासी हैं, सब विरोधाभासी एक दूसरे को। तो विरोधाभासी जो ग्रंथ होता है तो मान लिया जाता है कि इसमें कई लोगों ने छेड़छाड़ किया तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे उसमें लोग मांगते हैं कि चार वर्णों में मनुष्य में बांटा गया तो इनको एक काम दिया गया, इनको एक काम दिया गया, ऐसा कोई काम नहीं दिया गया। ऐसा इस तरह से कई सर्वे होकर के किसी जो कोई बांटेगा, आप खुद सोचिए आज इतना एडवांस युग है जी। आज आप सर्वे करके बांट सकते हैं, आज तो सर्वे हो नहीं पा रहा है कि कौन व्यक्ति किस योग्य है। हाँ, तो उस जमाने में क्या सर्वे हो सकता था? इतने दुनिया भर के लोगों का सर्वे होकर के कहेगा कि तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा सर्वे ना हो सकता था उस वक्त, ना आज हो सकता है, ना आगे कभी होगा। एक एक आदमी की प्रतिभा को कोई भी आंक नहीं सकता, हाँ, कि यह व्यक्ति इसी योग्य है, यही करेगा। और ऐसा कोई अथॉरिटी भी नहीं हो सकता है, कोई ऐसा अधिकारी भी नहीं हो सकता है जो सबको इस तरह से हाँक भी दे। अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि तुम इसी योग्य, और वो कहेगा मैं नहीं हूँ, तब आप क्या करेंगे? हाँ, और इतने करोड़ों अरबों आदमी का कहाँ से आप डाटा बनाएंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे, किसके पास इतना फालतू टाइम है, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा। हाँ, लोग अपने जीने खाने में लगे हैं कि इस चीज में लगे हुए हैं, ये बेकार की बात है। वर्ण व्यवस्था का मतलब ऐसा नहीं होता है। वर्ण व्यवस्था का मतलब ऋषि मुनियों ने समझाया कि मनुष्य स्वभावतः, और ये जो है चार भाग में मनुष्य का दिमाग बटा हुआ है। मनुष्य जो है ना, चार भाग में मनुष्य का दिमाग बटा हुआ है, ये उसने अध्ययन किया पाया। और उसको ही उसने कहा है, वर्ण उसी को कहा है। वर्ण का एक अर्थ होता है, जिसे कहते हैं ना कि ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, पढ़ाया जाता है ना। अनुस्वार है तो हाँ, तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ाया जाता है। तो वहाँ वर्ण का क्या मतलब होता है, आप लोग वहाँ पढ़ाते रहे ना, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो वर्ण व्यवस्था किसी की सहायता से बोला जाए वो स्वर है, वो जिसको सहायता से बोला जाए वो वर्ण व्यवस्था में वही है कि कोई ऐसे कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका कि उच्चारण जो है हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, आसानी से उच्चारण कर लेते हैं, यानी बहुत सरल होते हैं, सरल होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, वो कठिन होते हैं। जैसे मान लीजिए अड़ा, हाँ, चाहे अण, ये सब कठिन है, लेकिन अ ये बहुत स्वाभाविक उच्चारण है, अ बोलना। तो जो स्वाभाविक रूप से बोला जाता है, जिसमें कम एनर्जी लगती है बोलने में, और जो शुरुआत का है, तो उसको जो है स्वर वर्ण कहा जाता है। और जितने भी स्वर वर्ण हैं, ये सारे स्वर वर्ण जो हैं इनको ब्राह्मण माना जाता है। अच्छा, हाँ, यानी जिसमें सरलता हो जी, जिसमें कपट नहीं हो जी, हाँ, जो सीधा स्वभाव का हो जी, और जो जैसा हो वैसा ही सामने में आए, जिसमें विकार नहीं हो जी। तो जिसमें विकार नहीं होता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है जी। निर्विकार की स्थिति जो होती जी, है वह ब्राह्मण वर्ण है, समझ गए। और जो है थोड़ा सा जिसमें विकार हुआ है, जिसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, हाँ, जैसे क ख जी, ये क वर्ग जो है तो इसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, च छ ज ये थोड़ी एनर्जी वाले हैं। तो जो थोड़ी एनर्जी वाले हैं, जिससे कि बहुत थोड़ा सा विकार हुआ है अभी, तो वह वर्ण जो है वह क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है। और जिसमें थोड़ा और विकार हो गया है तो वैसे वर्ण जो हैं वैश्य वर्ण कहलाते हैं। और जिसमें थोड़ा और ज़्यादा हो गया है, जैसे कि वैश्य वर्ण में मान लीजिए कि आपका आएगा त थ द, ये सब जो है ना, प फ ब, ये सब आएगा। लेकिन जो ट वर्ग है, ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा विकार है, सबसे ज़्यादा हाँ, ट ठ ड, इसमें सबसे ज़्यादा विकार है, ये शुद्र वर्ण में आएगा। तो अब ये जो है जिसमें सबसे ज़्यादा विकार है, कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य में जिस वक्त सबसे ज़्यादा विकार है, जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे ज़्यादा विकार है अभी, तो इसका मतलब है अभी आप शूद्र वर्ण के, शूद्र वर्ण, हाँ, यानी सबसे ज़्यादा आपने दोष है जी, दोष है, दोष सबसे ज़्यादा आदि आपने। तो जिस भी व्यक्ति के जिस भी क्षण में सबसे ज़्यादा दोष होता है वह शूद्र वर्ण का होता है। और जब वो अपने को शुद्ध करता है, परिमार्जित करता है, अपने को ठीक करने लगता है, साधने लगता है, तो फिर वो वैश्य वर्ण में पहुंच जाएगा। यानी वैश्य का मतलब होता है कि जो सद्गुणों को जमा करता है, उसको वैश्य वर्ण कहा जाता है।
और फिर जो सद्गुणों की रक्षा करता है वह क्षत्रिय वर्ण कहलाता है, यानी उस स्थिति में आप क्षत्रिय वर्ण के हो जाएंगे। और जो गुणों से परे हो जाता है, गुणों से आगे चला जाता है, गुण और सद्गुण और दुर्गुण से भी जो आगे चला जाता है उसको ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। तो वर्णों की परिभाषा इस हिसाब से है। ये तो आपको समाज में ये आपको मैंने मिलता समाज नहीं, समाज में देखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा समाज में? ये कभी भी इसमें इसको कोई बनाया थोड़ी ना है, ये तो स्वाभाविक है। समाज में आपको नहीं मिलते हैं बुरे आदमी, नहीं मिलते हैं बुरे, मिलते हैं कोई महादुष्ट मिलते हैं, कोई थोड़े ठीक मिलते हैं। और तो जिसमें जितनी बुराई है उसके हिसाब से, ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये आप अपने को देखिए, व्यक्ति को छोड़ दीजिए, आप अपने को देखिए कि आप में कितनी दुष्टता है। तो जितने अंश में आप में दुष्टता है उतने अंश में जो है आप शुद्ध रहें। हाँ, व्यक्ति को छोड़ दीजिए, ये तो हर व्यक्ति में है। तो जिस भी व्यक्ति में जितना वो अंश होता है उसके हिसाब से ही उसको वर्ण उसका निर्धारित है। तो वर्ण जो है किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता है, ये समझ लीजिए कि कोई आदमी नहीं है वर्ण। आदमी के भीतर में वह दुर्गुण जो है वे वर्ण है, जो विकार है, इसलिए मैंने कहा कि विकार की जो अवस्था है। तो हर मनुष्य में जो विकार, इसलिए कहा गया है, शुरू से कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु में ही बताया गया है कि जन्म से जन्मना जायते शूद्र, मनुष्य मृत्यु में कहा कि जन्म से शूद्र सब होते हैं, यानी जन्म से सब विकार ग्रस्त होते हैं। हाँ, तो ऐसे थोड़ी बांट दिया तब, जैसे तब तो ये लोग कहते हैं कि वो अलग है ये अलग है, तब कैसे कह रहा है कि सब शूद्र होते हैं? तब तो सब शूद्र नहीं होना चाहिए था जी, नहीं। तो कैसे मनुष्य मृत्यु कह रहा है कि सब शूद्र होते हैं? मनुष्य मृत्यु ने कहा कि सब शूद्र होते हैं जन्म से, किसी को भी नहीं छोड़ा है कि कोई शूद्र नहीं है। यानी जन्म से आप ब्राह्मण नहीं होते हैं, जन्म से आप वैश्य नहीं होते हैं, जन्म से आप क्षत्रिय नहीं होते हैं, जन्म से आप शूद्र होते हैं, यानी आप विकारग्रस्त होते हैं। अब आपको अपने को संस्कृत करना है, यानी अपने को बढ़िया बनाना है, अच्छा करना है, परिमार्जित करना है, जिसमें ढालना चाहें आप। जो अपने दुर्गुणों को नहीं दूर करेगा, दुर्गुणों को अपना जो है और बढ़ाएगा, तो शूद्र से भी एक खराब एक और अवस्था बताई गई है, शूद्र से भी खराब अवस्था। हाँ, उसको चांडाल कहा जाता है। चांडाल, अच्छा, ये सब शूद्र में भी नहीं आता? नहीं, वो और खराब अवस्था बताई जाती है, वो वर्ण के तहत नहीं आता है। यानी जो महापतित हो गया, हाँ, जो असुर हो गया, राक्षस हो गया, शूद्र तो वे हैं जो कि विकारग्रस्त हैं, परंतु जो जानते हैं कि मैं विकारग्रस्त हूँ और मुझे इसको ठीक करना है, वे लोग शूद्र हैं। असुर सब शूद्र नहीं है। हाँ, उनको इसलिए असुर कहा गया, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं दुर्गुण में हूँ, दुर्गुण वाला हूँ, और मैं अपना सुधार नहीं करूँगा, जीत पड़ा है जी। तो वे जो हैं वे फिर शूद्र में नहीं आते हैं। शूद्र उनको कहा गया है कि जो जानते हैं कि मेरे में दुर्गुण है और मुझे अब अपने को सुधारना है जी। उनको शूद्र कहा गया है, उनकी उस अवस्था को। तो एक ही आदमी के भीतर में ये अवस्था हो सकती है, कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसमें दुर्गुण हो और कहे कि नहीं मेरा यही ठीक है। तो महाचंड बदमाश जो असुर है, चांडाल है वो, ऐसे को चांडाल कहा जाता है। अच्छा। हाँ, जो इस तरह का व्यक्ति होता है, जो विकारग्रस्त होते हुए भी उसको सब बताते भी हैं कि तुम्हारे में ये दोष है, उसके बाद भी दूर नहीं करना चाहता वो, बल्कि वो और दुर्गुणों और चाहता है और इकट्ठा होकर के मैं महादुष्ट बन जाऊं। तो ये इसी तो, को वर्ण में लोग बना दिए, जात में बना दिए, ये वर्ण व्यवस्था है। हाँ, तो ये जो है ये नहीं है कि कोई बना दिया गया है, ये अध्ययन करके समझा है कि आदमी में ऐसे ऐसे होते हैं, और आदमी में नहीं हर चीज में होते हैं। हाँ, इसीलिए हर चीज में उसको बांटा है कि ये जो है इस तरह के, जैसे मिट्टी में भी बांटा है कि ये मिट्टी ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है, हाँ, हल्की सी सफ़ेद रंग वाली, उसको ब्राह्मण कहा, क्योंकि वो ज़्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी है। जो लाल वाली मिट्टी होती है तो उसको क्षत्रिय कहा है, वो थोड़ी से कम उपजाऊ होती है, जैसे कि उधर लाल वाली मिट्टी पाई जाती है कहीं कई जगह पर। हाँ, उसी तरह से एक और मिट्टी होती है जिससे बलुआ टाइप की मिट्टी होती है जो, हाँ, जिसमें सफेद वाली, और उसी तरह से एक और मिट्टी होती है काली होती है, काली मिट्टी होती है जो उधर महाराष्ट्र वगैरह में पाया जाता है। तो वैसे को शुद्र मिट्टी कहा जाता है। हर चीज़ को कैटेगरी में बांटा है, ये ऐसा नहीं है कि उसका गुण स्वभाव देख करके ही उसको बांटा गया कि किसकी क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसको बांटा है। तो चाहे जो ये आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो उनको कैटेगरी बांटने का तरीका था कि किस तरह से हम बांटेंगे, उसी को उसको उन्होंने वर्ण व्यवस्था कहा है।
और वो ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि नहीं, तो आज का सैनिक नहीं बना रहे हैं, आज का दर्जी नहीं बन रहे हैं, आज का टीचर नहीं बन रहे हैं, तो इसको आप कैसे हटाएंगे? इस व्यवस्था को हम नहीं हटा सकते। नहीं, सदैव बनते थे, कौन कहता नहीं बनते थे? वे ही लोग कहते हैं नहीं बनते थे जिनको कुछ नहीं आता पता नहीं। हाँ, ये जो जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए महाभारत या गीता, गीता किसने लिखी है? वेद व्यास ने। वेद व्यास, ये वेद व्यास तो आज के हिसाब से अगर जाति के हिसाब से देखेंगे तब तो वो तो शूद्र थे, तो वो कैसे लिखे जब पढ़े लिखे नहीं थे? तो इतना बड़ा ग्रंथ जो कि आज भी सब लोग उसी को मानते हैं, हाँ, गीता लिखा है वेद व्यास ने, तो गीता इतनी श्रेष्ठ रचना उन्होंने की है जो कि मछुआरे के बेटे थे, कैसे मछुआरे के बेटे थे और क्या, तो वो कैसे लिखते? तब तो उनको आज के हिसाब से जाति से देखें तब तो वो पढ़ ही नहीं पाते, तो कैसे पढ़े? हाँ, सोचने की बात है ना, तो पढ़ने की सबको था, कहीं पढ़ने के लिए कोई मना नहीं था, ये तो बाद में सब जोड़ दिए हैं, हाँ, इसको तोड़ने के लिए, हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए सब उपद्रव किए हैं। हाँ, जैसे कि बौद्ध वाला का है, कहीं भगवान बुद्ध ने नहीं कहा है कि मैं एक अलग धर्म चला रहा हूँ, कहीं नहीं कहा है कि मैं वे धर्म के विरुद्ध जा रहा हूँ, कहीं नहीं कहा, लेकिन इन लोगों ने अपना मत चला लिया ना, तब भगवान बुद्ध का जो है किसी ग्रंथ में कोई नहीं दिखा सकता है। भगवान बुद्ध तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं खुद कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ये ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, जो बौद्ध हो गए हैं वो ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे जिसको तुम मान रहे हो वो तो खुद कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तब तो तुम बुद्ध के खिलाफ हो। बुद्ध के खिलाफ हो, तो ब्राह्मण वो जात का ना खिलाफ कर रहा है। जात होती ही नहीं है ब्राह्मण ना। हाँ। ब्राह्मण तुम ब्राह्मण जात क्यों बोलते हो? ब्राह्मण तो एक अवस्था है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है। हाँ, उसी को कहा जाता है जिसके पास ब्रह्म, हाँ, चाहे वो किसी जाति। हाँ, जात से क्या मतलब? जाति व्यवस्था उस वक्त थी ही नहीं। अच्छा, कब? उस वक्त आजीविका थी, आजीविका था, आजीविका, आजीविका जो है धीरे धीरे जब आके मुगलों के समय में आकर के धीरे धीरे वो जाति का रूप लेना शुरू किया। जी। हाँ, जाति व्यवस्था उस वक्त थी ही नहीं, आजीविका था, कोई एक ही घर में चार लड़के हैं एक आदमी के, तो वो चारों अलग अलग काम कर सकते हैं, कोई मछली पकड़ सकता है, तो कोई जो बकरी पाल सकता है, कोई गाय पाल सकता है, कोई खेती कर सकता है, कोई लोहा पीट सकता है। जाति व्यवस्था चली कब से? जाति व्यवस्था में तो बता रहा हूँ ना, हाल फिलहाल में चली है, ये मुसलमानों के आने के बाद, मुसलमानों में भी पूरा पुख्ता नहीं हो पाई थी। हाँ, ये अंग्रेजों के समय ज़्यादा और हुई है, मुसलमानों के समय में भी, मुगल उगल के समय में भी बहुत जाति व्यवस्था नहीं थी कुछ। जाति का मतलब क्या हुआ कि एक जो समूह है वह एक विशेष आजीविका को अपनाता है और अपने में ही शादी करता है, अपने जैसी आजीविका वालों में ही शादी करता है, यही ना जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था क्या है? तो अपने में ही जो शादी करना, अपनी जैसी आजीविका वाले में शादी करना, यह जो है यह इस अर्थ से शुरू हुआ, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया और कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया कि किसी ने सर्वे किया और नियम बनाया। भारत में इतनी जातियाँ आज भी किसी को पता नहीं है कितनी जातियाँ हैं, कौन खोज खोज करके कितना नियम बनाएगा? नियम और कुछ नहीं बनाया गया, ऐसा है कि जो जैसे आजीविका था तो अपनी आजीविका, असल में मनुष्य क्या होता है कि अपना जो कुछ भी वो सीक्रेट जानता है, गोपनीय चीज़ जानता है और अपनी आजीविका संबंधित, वो किसी को शेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता है, सोचता है कंप्यूटर तैयार हो जाएगा और हमारी आजीविका टूट जाएगी। स्कूल वाले नहीं चाहते कि उसका स्कूल खुले अगल बगल में, हाँ, दुकान वाले नहीं चाहते अगल बगल में उसका दुकान खोले। हर व्यक्ति अपनी आजीविका के हिसाब से जो है अपना डिजाइनिंग करता है। तो जो समाज जैसे भेड़ पाल रहा है तो सोचता है कि भेड़ पालने का जो राज है वह राज दूसरों को पता ना चले। जो दवाई बना रहा है वो सोचता है कि दवाई बनाने का जो राज है दूसरों को पता ना चले। जो सोना वो कर रहा है तो वो नहीं चाहता है कि उसका राज दूसरे पता चले। अपने राज को बचाने के लिए, अपनी आजीविका को बचाने के लिए वह जो है उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि अपने बेटी तक को भी वह नहीं बताते थे इसका राज। हाँ, सिर्फ अपने बेटे को या अपने बहुत करीबी शिष्य को बताते थे। यही दो उदाहरण मिलते हैं कि अपने बेटे को या अपने बहुत करीबी शिष्य को, बहुत कम ही जगह मिलता है कि जिसने अपनी बेटी बेटी को बताया। तो वे लोग शादी विवाह इसलिए अपने में करते थे कि अगर थोड़ा बहुत कोई राज जान भी गया है, लड़की जान भी गई है, तो वह जो है और दूसरे को नहीं पता चले, अपने ही जो अपने जैसे कर्म कर रहे हैं उन्हीं लोग के बीच में, इस तरह से जो है जाति की उत्पत्ति होती है।
जाति की उत्पत्ति का कारण जो है वो आर्थिक है, और इसका ये नहीं है कि कोई ग्रंथ लिख दिया किसी ने जाति बन गई, ऐसे थोड़ी बनती है। तब तो कोई एक ग्रंथ लिख देगा जाति बन, उस जमाने में एक ग्रंथ कोई लिख रहा है उसको पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, बांटने वाले लोग, यहाँ छापा खाना नहीं है ना कुछ है, लोग क्या जाने कौन किसने क्या कहाँ जंगल में कहाँ लिख दिया है, और उसके हिसाब से फिर वो आचरण करने लगेंगे। क्यों आचरण करेंगे, क्यों बाइंडिंग होगी उनके लिए, वह क्यों मानेंगे उसकी बात। यह जो है ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही जाति व्यवस्था विकसित हुई है, अपने तरह से आजीविका करने वालों के मध्य में शादी विवाह करने से विकसित हुई है, और ये टूटेगी भी तो ऐसे ही टूटेगी जैसे विकसित हुई है। या तो आदमी शादी विवाह करना छोड़ देगा, या जो दूसरे और लोग हैं उनके साथ शादी विवाह करने लगेगा, बात कर हाँ तो करेंगे ही ना, समाज स्थिर एक जैसा थोड़ी रहेगा। तो जाति व्यवस्था का लोग पहले से भी ऐसा होता आ रहा है। हाँ तो जाति व्यवस्था का ये कारण है, ये नहीं कि मनुस्मृति में लिख दिया कि नहीं पढ़ने दिया, मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा। अरे एक दिन तो फेसबुक पर दिखा रहा था, फेसबुक पर देखिए अलग अलग ढे के लोग अलग अलग लिखते हैं जी। उसमें कई लोग जो हैं अपना, कई लोग एजेंट हैं, कुछ पैसा खाए हुए हैं, कुछ लोग नियुक्त हैं उसी के लिए नियुक्त हैं, वे लिखते हैं अच्छी मनोदशा से, अच्छे ग्रहण करके, अच्छी चीज़ों को समझ करके, शोध करके लिखने वाले बहुत कम है। शोध करने वाले फेसबुक पर क्यों जाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। और यदा कदा कभी लिखेगा, कैसे नहीं लिखेगा। अच्छा ये मुसलमान पहले भी थे क्या सर, राम के राज्य, राम के समय में मुसलमान का क्या होने का मतलब है, कृष्ण राज में भी मुसलमान उस समय मुसलमान जात थी ही नहीं। मुस्लिम तो इधर मोहम्मद के समय, उसके पहले मुसलमानों का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, कोई भी ग्रंथ में नहीं मिलता है जी। हाँ किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है कि मुसलमान थे। हाँ आज से 1400 वर्ष पहले से किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो बता दे कि यहाँ मुसलमान ये है या अल्लाह है या ऐसा, कहीं कोई ग्रंथ कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। कब से आए मुसलमान, 1400 वर्ष पहले आए हैं, 1400 वर्ष पहले। हाँ उस समय जो है सबसे पहला मुसलमान जो है यही थे क्या, सबसे पहला मुसलमान तो मोहम्मद है। हाँ अच्छा, लेकिन ये लोग मुसलमान मानते हैं कि अब्राहम थे पहले। अरे अब्राहम खुद बोलेगा कि मैं मुसलमान हूँ तब ना माना जाएगा, कि तुम बोलोगे तो माना जाएगा। अब्राहम यदि बोलता कि मैं मुसलमान हूँ तो माना जाता। हाँ अब्राहम ने तो ऐसा नहीं बोला, अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन तो राष्ट्रपति था जी। अब्राहम वो लोग मानते हैं जो यहूदी हैं, यहूदी के जो पहले वो थे पैगंबर जी, तो वे अब्राहम थे जी। हाँ तो ये लोग कहते हैं कि वो, अरे वो तो यहूदियों के थे, वे अगर कहे होते कि मैं मुसलमान हूँ तो तुम्हारी बात मानी जाती। तुम अपने से मान लिए हो कि अब्राहम थे, अपने से मान लो कि ईसा मसीह थे, अपने से मान लो कि मूसा थे, ये थे, वो तो तुम्हारी अपनी मान्यता है। उन्होंने तो नहीं कहा कि अल्लाह को पूजो, कि अल्लाह कोई है, कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा हाँ बाइबल उनसे पुराना ग्रंथ है, कहाँ उसमें कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। इसका मतलब जब ये सब कॉपी पेस्ट है, ये सब चोरी करके कुछ दो चार शब्द इधर से लिए, दो चार उधर से लिए, दो चार इधर से लिए, इस तरह करके इन लोगों ने इस्लाम खड़ा कर दिया है, और कुछ नहीं। मैंने कहा ना मोहम्मद गंवार आदमी था, इससे सुना उससे सुना बस लिखा लिखवाया। और मोहम्मद के समय भी नहीं लिखा गया था, बल्कि कुरान तो मोहम्मद के मरने के कितने वर्षों के बाद लिखा गया है, 200-300 वर्ष बाद लिखा गया है जी। हाँ अब ऐसा ऐसा तो है, उसी उन्हीं लोग का उसमें लिखा हुआ है कि उनके लिखे हुए को बकरी खा गई, जो लिखवाया था वो बकरी खा गई। तो भाई बकरी खा गई तो उसका तुम जब तुमको क्या पता कि फिर क्या है। अब अल्लाह जो है कैसे सुरक्षा करता है, अल्लाह अपनी आयतों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो बकरी खा जा रही है अरे पूरा कॉमेडी है और कुछ नहीं है, वो एक जबरदस्त कॉमेडी है कुरान। हम भी सोच रहे कि भाई हिंदू धर्म में भी तो पहले तो जो है कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, कुछ ऐसा नहीं, ये सब अफवाह फैलाया गया। ये ऐसा कहीं नहीं है कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार, सब लोग पढ़े हैं, पढ़ने का अधिकार कैसे नहीं। वेद में मतंग ऋषि हैं, आज के हिसाब से देखा जाएगा तो फिर शूद्र हैं, आज के अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो शूद्र हैं। हाँ जाति उस वक्त तो कोई जाति थी ही नहीं, लेकिन आज के हिसाब से अगर उनके आजीविका के हिसाब से देखा जाए, चाहे वाल्मीकि को ही देखा जाए, तो फिर तो वे शूद्र हो जाएंगे। तो वाल्मीकि ने इतना बड़ा काव्य कैसे लिख दिया, इतना बड़ा काव्य। हाँ वाल्मीकि तो डकैत थे तो उसने इतना बड़ा काव्य कैसे लिख दिया। नारद सबसे बड़ा विद्वान, आज तक का सबसे बड़ा विद्वान है नारद, और नारद खुद जो है वो दासी पुत्र थे।
था भगवान। हाँ नारद ऋषि उन्होंने तो ब्रह्मा के पुत्र तो हाँ ब्रह्मा के पुत्र जो है हाँ तो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे ना। मानस का मानस पुत्र का मतलब होता है जो उसका जो उसके विचार को जो मानता है उसके मन को जो मानता है मानस का मतलब ये होता है। इसे हमारे सिद्धांत को यदि आप मानते हैं तो आप हमारे मानस पुत्र हो गए समझ गए। तो ये मानस पुत्र हाँ औरस पुत्र नहीं। औरस पुत्र का मतलब कि जो हमारे वीर से जन्मता है वो औरस पुत्र होता है। औरस हाँ और जो ऐसे जो जो हमारे विचारों को मानता है जैसे जैसे जो शिष्य होता है वो गुरु का मानस पुत्र होता है। मानस पुत्र होता है हाँ। तो ब्रह्मा जो उसके मानस पुत्र थे नारद मानस पुत्र हाँ। उनका सबसे बड़ा पुराना तो हम लगता है सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ी सनातन कोई पुराना क्या कोई और कोई धर्म ही नहीं है। पुराना और नया की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं नहीं मानता कि सनातन धर्म के अलावा भी कोई धर्म है। कोई अपने को धर्म सिद्ध नहीं कर सकता। सब पूजा की एक अलग पद्धति हो सकती है धर्म नहीं हो सकते हैं ये सब। सनातन धर्म का नियम कानून और इन लोगों ने कोई इन लोगों ने जो सिद्धांत दिए हैं हाँ ये सब बेकार खारिज करने वाले सिद्धांत हैं। कोई इन सब का दम नहीं है ना कुरान का ना बाइबल का। सब बकवास हैं सब एक झूठी झूठी गपोड़ कथाएँ हैं कहानियाँ हैं बेसिर पैर वाली हाँ जिन पर गंवार ही भरोसा कर सकता है जी। कोई भी प्रबुद्ध आदमी पढ़ा लिखा आदमी वो सब तो बकवास को नहीं मानता। लेकिन वेद में हर बात जो है सही सही है सटीक है। 95% लोग यही सब जो है बिना सिंह वाले जो है उनको मानने वाले पाँच तो है वो तो है भाई। गंवारों की संख्या ज़्यादा ही है जान ही रहे। क्लास में एक ही दो लड़के तेज होते हैं बाकी सब तो ऐसे गधे टाइप के ही होते हैं। तो वो तो है उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी क्योंकि जो विद्या है वो काफ़ी तपस्या से आती है। विद्या ऐसे हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। उसके लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है तब करना पड़ता है। ऐसे विद्या थोड़ी आ जाती है। ऐसे नहीं जो भी श्रेष्ठ भाव को पहुंचा है दुनिया में तो उसने काफ़ी तप किया है और जो कुछ नहीं कर पाया वही ना रह गया। तो सामान्य आदमी को कोई भी बका देता है कुछ भी बोल करके। सामान्य आदमी की सामान्य इच्छाएँ होती हैं हाँ हमको बेटा मिल जाए हमारा कमाई हमारी हमारे कमाई हो जाए शादी हो जाए बढ़िया से हाँ यही सब ना है। उसकी सामान्य इच्छाएँ हैं उसकी मुक्ति की इच्छा नहीं है। उसकी यह इच्छा नहीं है कि जो है मैं जो है बहुत अच्छा आदमी बन जाऊँ। अच्छा आदमी बनने की इच्छा नहीं है। पैसे वाला आदमी बनने की इच्छा है। पद वाला आदमी की इच्छा है कि मैं बड़ा पद वाला बन जाऊँ। किसी भी बच्चे को पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो कोई एक भी बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। अपने क्लास में आप तो टीचर हैं आप सर्वे करके देख लीजिए। कोई कहेगा मैं टीचर बनूंगा कोई कहेगा मैं पुलिस बनूंगा कोई कहेगा मैं SP बनूंगा कोई कलेक्टर बनूंगा हाँ जज बनूंगा नेता बनूंगा। कोई नहीं कहेगा कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। तो अच्छा आदमी बनने की जो है ना वह जो है वह ब्राह्मण का गुण होता है वह विद्वान का होता है। विद्वान कभी भी कोई पद और धन और ये सब नहीं चाहता है और न कुल चाहता है न खानदान चाहता है न और कुछ चाहता है न धरती न कुछ चाहता है। वह तो महज विद्या चाहता है और उस विद्या को इसलिए चाहता है ताकि वह अपने जो बुरे गुण हैं उनको ख़त्म कर सके और अपने को सदगुण में ला सके समाज का बेहतर कल्याण कर सके। जी जो रामचरितमानस लिखा गया बाबा इसमें क्या चीज़ें है केवल तुलसीदास की मन की बात थी कि जो है तो रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की रचना है जी। तो रामचरितमानस तो भी ज़्यादा समय नहीं हुए हैं उसके तो इसका भी लगभग 1000 वर्ष नहीं 1000 वर्ष कहाँ होगा 350 बरस है। अकबर के ज़माने के थे तुलसीदास 350 बरस के आसपास है 1000 बरस कहाँ के होंगे ये। तुलसीदास अभी हाल फिलहाल के आदमी है बहुत पुराने आदमी नहीं है। तो हमको तो लग रहा है कि तब तो कलयुग ही है। और क्या 350 बरस पहले तो इसी युग के ना है इसी युग के बहुत हाल फिलहाल जब अकबर बादशाह जब यहाँ पर शासन कर रहे थे जब मुगलों का शासन था उस वक्त थे तुलसीदास सूरदास ये दोनों समकालीन थे। रहीमदास और कबीर बल्कि थोड़े से पुराने थे कबीर जी हाँ। तो इन लोगों ने भी जो लिखा है तो वही वेद सम्मत ही लिखा है ग्रंथ को मतलब ये उपयोगी ग्रंथ लिखा है। कुछ लोग इसको जो है जो बात सही कह रहे हैं कि जो
तोड़ मड़ोड़ कर जो है अपनी जो है प्रतिष्ठा बनाने के लिए लोगों ने वेदों को तोड़ मड़ोड़ कर जो है पेश कर दिया है। नहीं, वेद को तो नहीं तोड़ मड़ सकते सब उसका।